मैं अर्चना को ले जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अर्चना बाकी सब चीजें अपने साथ ही ले आ रही है, तो मैं बस अर्चना को लेके जाऊंगी। बहन तू मतलब सब कुछ फिट आ जाएगा ना तुम्हारे कपड़ों से लेके सब कुछ? नहीं, दो बैग अलाउ है, एक बैग पूरा मेरा खाने का है, एक बैग कपड़ों का है, एक बैग मेकअप का होगा। नहीं, मेकअप का तो छोटा बैग है, वो हैंड में लेके जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, एक बैग कपड़ों का, एक बैग ये सब का। हाँ, तो ये हमने प्रिपरेशन कर लिया। तो बात रही बॉन्डिंग की, तो शो में जाने के बाद किससे आप चाहोगे कि ये सेफर साइड है, अगर मैं ये कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो लाइक इनसे मुझे हेल्प हो जाएगी, तो आप किसके लाइक बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, इनसे टिप्स मिल जाएगी? जैसे अभी अर्चना ने कहा पुनीत जो कि विनर थे लास्ट टू लास्ट सीजन के, तो उनसे काफी टिप्स ले रहे हैं, तो वैसे आप किन से टिप्स लेना चाहोगे? मैंने किसी से कोई फीडबैक या टिप्स नहीं लिए, बिकॉज मैं एक खुले दिमाग से वहाँ जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आप इससे पहले भी लोगों को कहा है कि एक कैनवस जो यू नो पूरा जो खाली होता है, मैं वैसे बिल्कुल वहाँ जाना चाहूँगी, और वहाँ के जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिलेंगे वो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। वो जो एड्रेनल रश होगा ना तभी, वो उसमें बड़ा मजा आएगा। अगर मैं किसी को पूछ के या टिप्स लेके अगर मैं जाऊँगी ना, तो वो दिमाग में ऑलरेडी रहेगा कि नहीं ऐसा ना ऐसा। वहाँ जाके अगर मुझे पता चले कि ओ अच्छा ये ऐसे होता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा मुझे मज़ा आएगा। इसलिए मैंने किससे कोई टिप्स विप्स नहीं लिया है, बट या अब क्योंकि इन्होंने टिप्स तो ले ही लिए, तो आधी तो मुझे यहाँ मिल गई टिप्स, आधी हम वहाँ पे फ्लाइट में डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो आधी टिप्स आप बता दीजिए अर्चना। नहीं, मुझे तो देखो, मुझे तो देखो पुनीत ने बताया है कि देखो अपने माइंड पे आपको बिल्कुल फोकस रखना है। पहले आपको ना जो स्टंट होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टंट पूरा समझोगे नहीं आप कर नहीं पाओगे। तो वो बहुत ध्यान रखना, अगर समझ में ना आए तो आप चाहे 3 बार पूछना, पर पूछना जरूर, तभी आप वो स्टंट कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे पुनीत ने बताई है, क्योंकि वो एज अ विनर रह चुके हैं, तो ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि वो कुछ टिप्स जो है वो मैं ध्यान में रख के वो चीजें करूँ, तो ज्यादा मुझे इजी होगा कोई भी स्टंट करने का। ओके, तो लास्टली जाते जाते क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से, अपने फैंस से? जो मेरे फैंस हैं, जिन लोगों ने मुझे आज तक एज अ सृष्टि देखा है, वो लोग मुझे एज अंजुम फाकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बिल्कुल रियल अनफिल्टर्ड देखने वाले हैं। तो और कुछ थोड़ी सी जो मैं पोएम्स लिखती हूँ वो भी शायद मैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में कुछ अर्ज करना चाहूँगी दोस्तों के लिए या रोहित सर के लिए या किसी मतलब टास्क के लिए। तो बस स्टंट नहीं रे, टास्क नहीं होते वहाँ। अच्छा अर्चना नहीं होती तो मेरा क्या होता, क्या होता मेरा? मुझे भी भाई मेरे साथ ऐसी गड़बड़ हो गई थी पता है, स्टंट स्टंट स्टंट। तो जो भी वहाँ पे स्टंट होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, या दोस्तों के लिए या रोहित सर के लिए जो भी छोटी मोटी शायरी जो मैंने लिखी है उसे देखने के लिए सुनने के लिए प्लीज आप मुझे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में देखिएगा, और जितना आप लोगों ने अब तक मुझे प्यार दिया है उतना प्यार प्लीज बरकरार रखिएगा। राइट, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बिग बॉस में प्यार किया, प्यार दिया, उसी तरह से मुझे खतरों के खिलाड़ी में भी प्यार देना। और जो लोग मुझे सोचते हैं कि इसको खतरों के खिलाड़ी में एंटरटेनर के लिए लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा आप किसी के मतलब किसी को ऐसा जज मत करिए। और वो लड़की एंटरटेन कर तो रही है, उसके साथ साथ वो अच्छे से स्टंट करके भी दिखाएगी, तो आप बस देखते रहिएगा कि मैं किस तरह से स्टंट करूंगी, और स्टंट के साथ साथ आपको एंटरटेन जरूर करूंगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। विजुअल्स कर लेते हैं।